बड़े मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। हम सोच रहे हैं जहां बौखल का संचालन है वहां अगर अनपढ़ का नंबर जल्दी ना आए तो बड़ी बेमानी है। लखनऊ से हास्य व्यंग के बड़े रचनाकार, इनको हास्य व्यंग का हम लोग हाहा होती हस्ताक्षर कहते हैं। हास्य व्यंग के हाहा होती हस्ताक्षर, हास्य व्यंग के बाणासुर भी कहे जाते हैं। बहुत बढ़िया कवि है मितन पण, पहले परिवार नियोजन विभाग में काम करते थे और जब इनके खुदे 9 बच्चे हो गए तो वहां से भगा दिए। एक बार ये अपने मित्र के घर दावत में अपने 8 बच्चों के साथ पहुंचे। इनके मित्र ने कहा, अमित भाई आपको लज्जा नहीं आई? इन्होंने कहा, भाई साहब लज्जा भी आई होती लेकिन आजकल लज्जा के पेपर चल रहे हैं। तालियां जोरदार बजाई जाती है, हे काम नहीं चलता। बहुत बढ़िया कवि अमित अनपढ़ है। ये जब पढ़ने जाते थे इनके पिताजी पीछे से देखने जाते थे कि लड़का पढ़ता है कोई दूसरा भी काम करता है। एक दिन अमित अनपढ़ कॉलेज के गेट पे पहुंचे, सामने से देखा एक लड़की निकल रही थी। अब लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया, अमित अनपढ़ ने गाना गाना शुरू कर दिया, रफ्ता रफ्ता मेरी आंख जिससे लड़ी है देखो आज मेरे सामने खड़ी है, पीछे इनके पिताजी खड़े थे। हे नहीं, ताली बजाई जाती है यहाँ। पीछे इनके पिताजी खड़े थे, बोले बेटा जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है। तालियां अंतिम पंक्तियों पे जोरदार तालियों का महोत्सव करना, अमित अनपढ़ को माइक पे आमंत्रित करना। जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी। एक बार जोरदार तालियां भाई अमित अनपढ़ लखनऊ माइक। मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और मित्रों आप सबकी उपस्थित को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं भाई हमारे विकास बखल जी। हम इससे बढ़िया पशुपालन करते हैं? नहीं, वो तो हमको पता है, मगर हमने कहा वो बताना जरूरी नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का नौजवान, ये हमारा छोटा भाई, आज देश के ऑल इंडिया मुशायरे हो या कवि सम्मेलन हो, उनका इतना सफल संचालन कर रहा है, इतनी कम उम्र में जो इतनी सफलता इसने हासिल की है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन के इसके सम्मान में होनी चाहिए। और बहुत आभार प्रकट करता हूं भाई श्रीकांत भैया का, माननीय विधायक जी का, आदरणीय पटेल जी का और अपने सारे मित्रों का, और अध्यक्ष जी की अनुमति लेता हूँ, 4 पंक्तियां सीधे सीधे माँ के चरणों में रखता हूँ। मोनिका जी ने माँ शारदे की वंदना की, मैं सीधे सीधे उस माँ की वंदना करता हूँ जिस माँ ने हमको और आपको जन्म दिया है। उस माँ के सम्मान में आपकी तालियां उठे, मैं पढ़ता हूँ। चांद तारे नदी सागर है पर्वत माँ के चरणों में, चांद तारे नदी सागर है पर्वत माँ के चरणों में, सारे संसार में जितनी अमानत माँ के चरणों में, जिसे तुम पूजते मंदिर वो मूरत माँ के चरणों में, है जन्नत माँ के चरणों में, है तीरथ माँ के चरणों में, है जन्नत माँ के चरणों में, है तीरथ माँ के चरणों में। मगर आज विकास भाई, अध्यक्ष जी, आज हम लोग उस परिभाषा को भूल गए। आज हम लोग माँ बाप से क्या चाहते हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा बिल्कुल नहीं। विधायक जी स्वागत भाई। करते गुनाह है मगर कबूलते नहीं, करते गुनाह है मगर कबूलते नहीं, जिस डाल पे खतरा हो कभी झूलते नहीं, जिस डाल पे खतरा हो कभी झूलते नहीं, माँ बाप की नसीहतों को भूल गए हम, माँ बाप की नसीहतों को भूल गए हम, पर उनकी वसीहत को कभी भूलते नहीं, पर उनकी वसीहत को कभी। बहुत अच्छे, वाह। और मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हास्य व्यंग की बात भी करूंगा आपसे जैसा विकास भाई ने बताया है, मगर उसके पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे देश में कुछ घटनाएं हुई हैं विधायक जी। एक हमारे लखनऊ में परसों घटना हुई, एक इंटर की छात्रा ने, कक्षा 7 की छात्रा ने एक कक्षा 1 के छात्र को टॉयलेट में जाकर उसके साथ कुछ कांड हुआ,
अभी प्रबुन हत्याकांड हरियाणा में हुआ और आज मैंने पेपर में सुबह पढ़ा कि आज भी हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना हुई, इंटर के छात्र ने अपने प्रचार को गोली मार दी। तब जब इस तरह की घटनाएं होती है तब चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, बिल्कुल नहीं, और आप सबका समर्थन मांगता हूं, सुनिएगा। कहीं का प्लेट धोते हैं, कहीं पॉलिश लगाते हैं। वाह भाई अमित, क्या कहने। कहीं का प्लेट धोते हैं, कहीं पॉलिश लगाते हैं, देश के लाडले फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं। मोबाइल ज्ञान ने बच्चों को है क्या क्या बना डाला, मोबाइल ज्ञान ने बच्चों को है क्या क्या बना डाला, कलम जिनको चलानी थी तमंचे वो चलाते हैं, कलम जिनको चलानी तमंचे वो चलाते हैं, जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं। ये पंक्तियां सुनेगा हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी है और आज हमारी नौजवान पीढ़ी की दशा और दिशा जो दिग्भ्रमित है, आज हमारे देश की नौजवान पीढ़ी कहाँ जा रही है कि जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं, जिन्हें गाना था जनगण मन वो फिल्मी गीत गाते हैं, बिछा सकते नहीं है प्रेम की जो एक भी चादर वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं। और साहब अब सीधे सीधे अपने औकात पे आते हैं, एक बार हमारे सम्मान में ताली बजा दीजिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर और पूरे देश के अंदर उनकी सरकार बनी, हमने एक प्रश्न आप सबकी तरफ से विधायक जी कहा, माननीय मोदी जी से, योगी जी से, हमने क्या कहा कि कुर्सी कृपा से मिल गई तो पेट बढ़ गए, कुर्सी कृपा से मिल गई तो पेट बढ़ गए, सिकुड़े विपक्षी सत्ता पक्षी वेट बढ़ गए, सिकुड़े विपक्षी सत्ता पक्षी वेट बढ़ गए। हमने कहा कि राम का मंदिर बनाइए, मैंने कहा कि राम का मंदिर बनाइए, वो बोले कि मोरंग के अभी रेट बढ़ गए, वो बोले कि मोरंग के अभी रेट। दोबारा पढ़वा दे तो एक बार झोंक दीजिए तालियां। हाँ वाह, जब तक सही न पढ़ दे तब तक पढ़वाओ। कुर्सी कृपा से मिल गई तो पेट बढ़ गए, सिकुड़े विपक्षी सत्ता पक्षी वेट बढ़ गए। हमने कहा कि राम का मंदिर बनाइए, मैंने कहा कि राम का मंदिर बनाइए, वो बोले कि मोरंग के अभी रेट बढ़ गए, वो बोले कि मोरंग के अभी रेट बढ़ गए। और साहब एक घटना और आपको जोड़ता हूँ कि जिस दिन देखिए मेयर का चुनाव हुआ था उसके एक दिन पहले घटना हुई और मेयर का चुनाव हुआ, परिणाम आया, उसके बाद क्या हुआ, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में शहर शहर कमल खिला, उत्तर प्रदेश में शहर शहर कमल खिला, साइकिल व पंजा झाड़ू संग हाथी भी हिला, साइकिल व पंजा झाड़ू संग हाथी भी हिला, कि अपना काम बनता जनता भाड़ में गई है, अपना काम बनता जनता भाड़ में गई, बिजली के दाम बढ़ गए इनाम ये मिला, बिजली के दाम बढ़ गए इनाम ये मिला, बिजली के दाम बढ़ गए। क्या कहने था, अनपढ़ नाम किसने रख दिया तुम्हारा, जिसने बौखल रखा होगा उसी ने अनपढ़ भी रखा होगा, दोनों एक बिरादरी है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए साहब अभी हम आ रहे थे जब तो हमने देखा रास्ते में इतना जो हाईवे है आपका, इतनी सड़क खराब है और जो अभी क्षेत्र के विधायक हैं
प्रेजेंट टाइम में उनको चार पंक्तियां आप सबकी तरफ से देता हूं कि दोबारा हम अगर बैगलगंज बुलाए जाएं तो ये रोड आपकी चमाचम होनी चाहिए। मैं उनको चार पंक्तियां आप सबकी तरफ से देता हूं कि जब आप लखनऊ जाते हैं तो आगे देखिए रोड कैसी है, आपके विधायक आपके सांसद को समर्पित है। सुनिएगा कि खुदवा दी सड़क पूरी नापने तक नहीं आया, खुदवा दी सड़क पूरी नापने तक नहीं आए, आपके साथ खुशियां वो बांटने तक नहीं आए, शहर की नालियां नाले उन्हें अब याद करते हैं, विधायक हो गए जब से झांकने तक नहीं आए, विधायक हो गए जब से झांकने तक। बहुत अच्छा भाई वाह, क्या पढ़ते हो गुरु, अपना मोबाइल नंबर दे देना हमको। नहीं हमारा मोबाइल नंबर ऐसा ना पागल खाने मिलेगा और वहां पता, मैं पता ही है विकास भाई, एक बार भाई जोरदार ताली विकास भाई के लिए बजा दीजिए, नहीं हमको कविता पढ़ने नहीं देंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भाई वाह। चलिए चार पंक्तियां और सुनेगा। आजकल देखिए पूरे शहर में जाम की बड़ी अव्यवस्था है, हमारे लखनऊ में तो मेट्रो की वजह से इसमें स्वाभाविक है जाम है, मगर महानगरों में जहाँ पर हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग बिहार गए थे वहाँ भी जाम देखा, बम्बई गए वहाँ भी जाम देखा, तब मैंने चार पंक्तियां लिखी कि उनकी फुल व्यवस्था है हमारी हाफ रहती है, उनकी फुल व्यवस्था है हमारी हाफ रहती है, थसक वालों की हर गलती हमेशा माफ रहती है, जाम का दर्द नीली लाल बत्ती क्या भला समझे, गुजरती है जिधर से ये सड़क हर साफ होती है, गुजरती है जिधर से ये सड़क हर साफ होती है। और साहब कुछ छंद आपके बीच में रखता हूँ। हास्य बैंक के स्वागत है भाई अमित जी। अभी देखिए आज इस मंच पे कोई वीरस का कवि नहीं है मोहन भैया, मगर हम प्रयास कर रहे हैं, हम विकास भाई कई लोग हम लोग मंचों पर रहते तो कई वीरस के कवि हम लोग के साथ रहते, मगर उनकी संगत में रह के हमने एक बार वीरस में कविता लिखी और सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाई। अब देखिए मोहन भैया उसके बाद वो वीरस की कविता कैसे हास्य की कविता हो गई। मैं पढ़ता हूँ स्वागत कि अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को नाब और उकसाइए, अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को नाब और उकसाइए, पत्नी ये बोली तीन दिन से पड़ा है गेहूं हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। अरे अमित खास काम नहीं चलेगा, ताली बजाइए। कि अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को नाब और उकसाइए, पत्नी ये बोली तीन दिन से पड़ा है गेहूं हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए, और मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा वो बोली बहुत हुआ जोश न दिखाइए, मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा वो बोली बहुत हुआ जोश ना दिखाइए, और सीमा पार बाद में ही फहरा लेना तिरंगा पहले जाके कपड़ों को फैला कर आइए। भाई अमित वाह 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 क्या कहूं। तो पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, और वो बोली एबीसीडी बच्चे को सिखाई नहीं कैसे मान लो कि ये है आप कर पाएंगे, तो घुस बैठियो जो घुस बैठ बंद ना करोगे छक्के भी तुम्हारे रण भूमि में छुड़ाएंगे, घुस बैठियो जो घुस बैठ बंद ना करोगे छक्के भी तुम्हारे रण भूमि में छुड़ाएंगे, और बेटा बोला पापा मेरी पतंग छुड़ा ना पाए घुस बैठियो के छक्के आप छुड़ाएंगे। अरे बेटा क्या कहने बाबा। अब साहब देखिए आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कहां कहां तक मोबाइल विकास भाई पहुंच गया है। चार पंक्तियां मोबाइल पर सुनिएगा। कि एक भीख मंगा के मेरे द्वार पर बोला भूखा हूँ मैं बेटा जरा कुछ तो पसीजिए, एक भीख मंगा के मेरे द्वार पर बोला भूखा हूँ मैं बेटा जरा कुछ तो पसीजिए, और मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए, तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए,
भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए और खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए, खाना बन कर ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाह, ये मिस कॉल पे माला आया है मित्र। और साहब चार पंक्तियां और सुनेगा, क्योंकि ये धनुष यज्ञ मेले का मंच है और हमारे लखनऊ में कुछ सच्ची घटना हुई थी। विकास भाई उससे परिचित हैं, हमारे वहां गए हैं उस कार्यक्रम में। मोहन भैया हमारे लखनऊ में विधायक जी की कुछ सच्ची घटना है, हमारे वहां के सांसद जी लालजी टंडन जी हैं। इसी तरह से मंच था रामलीला का, लक्ष्मण शक्ति का दृश्य मंच के ऊपर चल रहा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, साहब जिस तार से वो जा रहे थे वो तार टूट गया, 40 फुट की ऊंचाई से हनुमान जी नीचे गिरे, उनको काफी चोट आई। मगर उसके बाद जो मंच पर हमने कौमी एकता देखी विकास भाई, तो हमने कहा इससे अच्छी कौमी एकता पूरे देश में हो नहीं सकती। बस ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था उस रामलीला में वो मनोज दीक्षित जी थे और उनकी चौक चौराहे पर ठंडाई और खुटिया की दुकान है। आप जब लखनऊ आइएगा वहाँ देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ सुनेगा। स्वागत है भाई अमित जी। वाह, गिरती गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। भाई तालियां जोरदार होती यहाँ पे भाई, अमित क्या कहने वाह। गिरती गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित चोटा गया। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई वाह वाह। कि राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित चोटा गया। अंगद विभीषण जी गए टामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। अरे भाई अमित क्या कहने बाबा। अंगद विभीषण जी गए टामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। और कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद भावना की बात समझा गया। कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान भाई बाबा, प्रेम सद भावना की बात समझा गया। और मित्रों चलते चलते एक पैरोडी पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अमित भाई वाह, अभी देखिए चुनाव हुए और पूरे देश में कुर्सी का झगड़ा है। मैं एक पैरोडी पढ़ता हूँ, बस चाहता हूँ कि इसमें आपके हाथ खुलें, सारे लोग अपने हाथ खोल लें और मेरे साथ रिदम में इस पैरोडी में मेरा साथ देंगे सारे लोग हाथ खोलते, मंच के ऊपर के भी लोग और मंच के नीचे के लोग। सुनिएगा मैं पढ़ता हूँ। चुनाव जीतने के बाद नेताजी जनता से क्या कहते हैं? आपके नेताजी नहीं, विधायक जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के नेताओं की बात। हाँ वो तो घर, वो तो तुम्हें घर भेजाना है ना। कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है। जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाएंगे हम ये पढ़ते रहेंगे, सबके को हाथ, सबके हाथ खुले। कि कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, जतन से कुर्सी पाई है। बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, तब जाकर ये हथियाई है कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है। हर कुर्सी पर नाम लिखा है, किसकी है पैगाम लिखा है। ओ कुर्सी पर बैठने वाले तू भी है, बदनाम लिखा है। क्षेत्र को लूटा, देश को लूटा, भेष बदल हर एक को लूटा। भारत माँ का भाग्य है फूटा, हमने विश्व का प्याला घूटा। काजू खाते हैं, रम पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है,
कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है। भैया अमित गुप्ता जी का बड़ा समर्थन आता, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। कि गंदी हो गई शहर की गलियां, पटी हुई हरी और नालियां, कहते हैं पार्षद जी हमारे, इसके दोषी हो तुम सारे। पार्षद निधि से काम कराया, अपना मकान पहले बनवाया, सड़क खड़ंजा भाड़ में जाए, अगले चुनाव में फिर से जिताए। काजू खाते हैं, रम पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है, कुर्सी पाई है,